पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। स्वागत है फिर से एक नया ब्लॉग में। मॉर्निंग में 7 बज रहे और आ गया है गांव से कॉल क्योंकि पापा आ रहे हैं सामान लेके। सामान में क्या है पता नहीं, देखते हैं सामान में क्या है। पापा पहले ही आ चुके थे, उनके साथ सामान लेके मैं आ गया हूँ रूम पे। अच्छा मार दे ना झाड़ू, आराम से फ्री हो गए तुम्हारे। रूम में कुछ था नहीं, बस अंगूर था जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि लाया था, तो वही पापा को खिलाते हैं। उसके बाद हम दोनों लोग निकलते हैं एक छोटा सा लैंड है उसको देखने के लिए। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा जो वाटर पार्क है जो यहाँ से दिखता है ये है वो। अब साइड में ही तो घिरावे को उतना जरूरत ना है। इसी बीच आ जाता है मम्मी का कॉल और मैं भी थोड़ा सा बात करता हूँ। फिर मुझे नजर पड़ता है इन पे, ये ताड़ी उतारते हैं। ताड़ी तो जानते ही होंगे जो लोकल लोग होंगे, जिसको पाम जूस भी कहते हैं। देखिए भाई ये है ताड़ी। उसके बाद हम और पापा आ जाते हैं चाय पीने के लिए जो कि कच्ची पक्की में चाय पीते हैं। उसके बाद पापा चले जाते हैं घर और मैं आ जाता हूँ रूम पे। फिर आता हूँ लाइब्रेरी। इसी बीच आ जाता है आंटी का कॉल क्योंकि उनको कुछ काम था एटीएम में, पहले ही आ गया था। जैसे ही थोड़ा सा इंतजार करते हैं आंटी भी आ जाती। 10 मिनट का ही काम था, कम्प्लीट हो गया है। मुझे हंसी इस बात से आ रही थी कि मैंने आंटी को मैसेज किया था व्हाट्सएप पे हिंदी में क्योंकि मुझे लगा कि इंग्लिश में नहीं समझेंगे, बट आंटी उधर से इंग्लिश में जवाब दी। चाय खाते हैं, थोड़ा सा इस बैंक में भी काम था। उसके बाद मैं आ जाता हूँ लाइब्रेरी। जैसा कि डेली का काम है मैं पढ़ाने के लिए जाता हूँ और ब्लॉग में गोला ना हो तो मेरा ब्लॉग अधूरा रहता है, तो मैं इनसे मिलता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में जाता हूँ। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है भाई। एक दिन गाड़ी छोड़ के आ गए थे, आज रूम का चाबी छोड़ के आ गए, फिर से जाना पड़ा है चाबी लाने। साइकिल गाड़ी का चाबी रूम में है और हम इधर उधर घूम रहे हैं।